लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 21D. क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर. वो कह रहा है हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है अगर हमें डायगोनल दे रखा है. स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है दैट इज 5√2 सेंटीमीटर. तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें ये साइड नहीं दे रखी है तो हम इसको एस मान लेंगे. लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एस सेंटीमीटर होगी, राइट. अब जब भी हमें डायगोनल दिया हुआ होता है तो एरिया दो तरीके से निकल सकता है. एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे? देखिए एक मेथड ए डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज हाफ इनटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर. तो एरिया हमें नहीं पता है, हाफ एज इट इज, और डायगोनल हमें पता है 5√2 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर एक्सपोनेंट जरूर पढ़े इसको देखने से पहले. स्क्वायर का मतलब दैट मीन्स 5√2, ये रूट की वैल्यू होती है, रूट में लिखी जाती है. जब इसका मतलब आप आगे चल के समझेंगे रूट कैसे हटाया जा सकता है. बस ये ध्यान रखिए रूट के अंदर कोई भी वैल्यू के पेयर्स बना के, लाइक 2 है और कोई वैल्यू नहीं है तो इसका पेयर नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं इनटू 2 लिख दूँ तो ये पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, राइट. तो इसीलिए हम रूट 4 तो कर सकते हैं क्योंकि हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और पेयर बना के एक बार बाहर लिख सकते हैं, लेकिन अगर रूट 2 है तो उसको पेयर नहीं बना सकते तो बाहर नहीं लिख सकते, राइट. इनटू 5√2, और हमेशा याद रखिएगा रूट 2 इनटू रूट 2 इज 2 होता है, राइट. क्योंकि पेयर बन गए 2 के. कैसे आया ये 2? देखिए रूट में पेयर बन गए, रूट एक लग गया और 2 × 2, ये दोनों रूट में थे तो एक ही रूट में लिख दिया और पेयर बन के एक बार बाहर आ गया. तो √2 × √2 इज 2. तो ये क्या लिख सकते हैं? हाफ. अब देखिए 5 × 5 = 25 और √2 × √2 इज 2. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे मैंने बताया √2 × √2 इज 2, तो 2 लिख दिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो कितना बच गया एरिया? दैट इज 25 सेंटीमीटर यूनिट थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. एक तो मेथड ये होता है और दूसरा मेथड क्या होता है? देखिए हमें पता है हमने इसकी साइड एस मानी है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो गई? एस हो गई. अब हमने पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है तो हमें पता है स्क्वायर क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो हम इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं. पाइथागोरस भी आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो इसलिए दूसरा मेथड छोड़ दीजिए, यही मेथड काफ़ी है. अगर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो ये डायगोनल होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी थी 5√2 का होल स्क्वायर हो गए और हमने बेस माना था एस और परपेंडिकुलर भी एस. देखिए यहाँ पे बेस भी साइड है और परपेंडिकुलर भी साइड है, इसलिए साइड साइड लिख दिया है, राइट. अब हमें पता है 5√2 का होल स्क्वायर का मतलब है, देखिए 5 की 2 बार मल्टीप्लाई और रूट 2 की 2 बार मल्टीप्लाई. अब 5 × 5 = 25 होता है और √2 × √2 इज, अभी हमने देखा 2 होता है, तो 25 × 2 = हमें पता है 50 होता है, 50 होता है, तो यहां पे 50 लिख दिया. इक्वल्स टू एस का स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 50 इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर हो गया, राइट. और एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया. क्यों? क्योंकि इन दोनों की क्या हो रही थी? आपस में मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2,
टू इंटू 25 is 50, तो देखिए एस स्क्वायर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि एरिया साइड इंटू साइड कहें या एस स्क्वायर कहें, बात एक ही है, तो एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम आ गया है। तो आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला ऑप्ट करिएगा, क्योंकि अभी पाइथागोरस थ्योरम आपके में नहीं आई है आंसर।